मेरा टाइम ही लगा था टारगेट सिस्टम जो मेरे को जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मैंने उन लोगों के साथ वो चीजें शेयर की यार, ये तो मेरे को बातों बातों में लाखों में कटा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? Yes! तो जाएगा पर मेरे फ्रेंड मेरे को एक ही चीज बोल रहे हैं कि तू ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर, आफ्टर दैट जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तेरे को पता चलेगा कहीं ना कहीं वो शायद जो तू सोच रहा है उससे डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करता हूँ। फर्स्ट डे मेरा सही नहीं हुआ, सेकंड डे मेरा बहुत अच्छा हुआ और थर्ड डे मेरा उससे भी अच्छा हुआ। जब मेरा फोर्थ डे हुआ तो फोर्थ डे जब मेरे को पता चला कि यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा ये बिजनेस, देखो कि हमारे टाइम जो ट्रेनिंग होता था आज से एक डेढ़ साल पहले वो 5 डे का ट्रेनिंग होता था, जो कि अभी के टाइम में जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 4 डे का हो चुका है, राइट? क्योंकि उस जगह पर जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था वो 5 डे का था। तो जब मेरे को पता चला कि बिजनेस में लोग बोलते हैं कि परचेज होता है, जब मेरे को बताया सर ने, जब मेरे को पता चला इस बिजनेस के अंदर परचेज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट मैं पैसा यहाँ पर कमाने के लिए आया था ना कि मैं पैसा लगाने के लिए आया था। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब मेरे को पता चला कि यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा तो उस जगह पर मैं शौक हो गया। तो मैंने बोला मैंने अगली क्लास नहीं लगानी है। जो मेरे सीनियर जो मेरे को लेकर आए थे मैंने उनको बहुत ज्यादा बुरा भी बोला, क्योंकि मैंने बोला सीनियर आप मेरे को बोल रहे थे कि 20,000 मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यहाँ अगर देखा तो कुछ और ही निकला। तो सीनियर बोलते तो ट्रेनिंग तो लगा के थे, क्योंकि मैंने लोगों से भी सुना था काफी चीजों की हाफ नॉलेज इज अ वेरी बैड किसी भी फील्ड की हो। समझ आ रहा है? Yeah! तो उस जगह पर सीनियर ने बोला कि हाफ नॉलेज अभी तेरे को प्रोवाइड हुआ है कि तू एक तो देख कि अभी 2 दिन पेंडिंग पड़ा है, कहीं ना कहीं शायद तेरा जो मन है लग जाए उस जगह पर। मैंने बोला कोई बात नहीं सीनियर, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करता हूँ। जब मैंने ट्रेनिंग को फोर्थ डे हुआ मेरा, मेरे को पता चला सबसे जो मेरे को बेस्ट सिस्टम लगा था वो 3x शेयरिंग था, क्योंकि जिस इंसान ने मेरे को 3x शेयरिंग कराया जब मैं मार्केट बना था मैंने उसको थैंक यू सो मच बोला, क्योंकि मैं इस बिजनेस में अगर मैंने ज्वाइन हुआ है तो मैंने उस चीज उस मूवमेंट को देखकर ज्वाइन हुआ, क्योंकि जब उस इंसान ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था और मैं ऐसे ऐसे काम करता था यहाँ आने से पहले, मगर आफ्टर दैट जब मैं वो काम कर यहाँ पर आया अब वो चीजें कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी है। जब मैंने उन शेयरिंग को सुना तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। तो आफ्टर दैट मेरे को लगा कि यार कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। जब मेरे को पता चला 50 डे के अंदर काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे टाइम जो मार्किस होते थे जसमेर सिनर होते थे, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हुआ तो जसमेर सिनर से हुआ, क्योंकि जब जसमेर सिनर ने क्लास किया तो मेरा दिल डेफिनेटली मान गया कि यार मेरे को बिजनेस करना चाहिए। समझ आ रहा है? तो मैंने बिजनेस के लिए मैंने चाहे जो मर्जी, तो लास्ट टाइम मेरा कैलकुलेशन हुआ तो कैलकुलेशन के टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कैलकुलेशन जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मेरे को जो भी प्रॉब्लम आए मैंने बिजनेस डीबीए में ही करना है। अभी जिस चीज का वेट कर रहे थे वो तो होना चाहिए। यस और नो? किसके लिए वेट कर रहे थे? दे दिया जाए? Yes! पक्का? Yes! सालों की मेहनत है, दे दिया जाए? Yes! फिर भी मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज में, वो दम नहीं, दे दिया जाए? Yes! तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक कि ये बैग उनकी मम्मा उनके सीने पे ना लगा दे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। Gurmeet!
सोच। बाकी तो स्पेशली मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जिनकी बदौलत